तो जनाब द लेजेंड ऑफ मौला जट के प्रीमियर पे हम मौजूद हैं और बड़ी ही खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, हामिद मीर साहब। लेजेंड सहाफत के लेजेंड। सर मौला जट आपने 42 साल पहले भी देखी, आज भी देखने वाले हैं, क्या डिफरेंस लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन? 42 साल पहले जब हम देखते थे ना तो उस वक्त हम सिनेमा हॉल में नारे भी मारते थे और हमें ऐसे लगता था कि जो मौला जट है वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ मुज़ामत कर रहा है और हम नारे लगाते थे डिक्टेटर के खिलाफ और मौला जट पे बैन लग जाता था। हम स्टूडेंट थे उस वक्त। तो अभी जब मौला जट की ये लेजेंड ऑफ मौला जट की जो कास्ट है इसके साथ हमारी मीटिंग हुई, मुलाकात हुई और नासिर अदीब साहब जिन्होंने 40 साल पहले वाली भी मौला जट लिखी है और इस फिल्म के मुकालमे भी उन्होंने लिखे हैं, तो उनसे मुलाकात के बाद पता चला कि ये बिल्कुल नई फिल्म है और इसकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन जो थीम है वो वही है। तो ये एक बड़ा एक अनोखा वाकया होगा फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में कि एक पुरानी फिल्म में से एक नई फिल्म निकाली गई। अच्छा, आपने ट्रेलर देखा है तो किसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत ज़्यादा जानदार और किसकी परफॉर्मेंस का सबसे ज़्यादा इंतज़ार है? देखिए मैंने ट्रेलर नहीं देखा। अच्छा। मैंने फिल्म के कुछ हिस्से भी देखे हैं, वो मुझे बिलाल लाशारी साहब ने और हमजा ने और फवाद खान ने अपने घर में ले जाकर दिखा दिया। बड़े लिखिया। हाँ, तो इसमें मैं समझता हूँ कि फवाद खान ने बड़े दिल से और बड़ी मेहनत से एक्टिंग की है। वो उर्दू स्पीकिंग है लेकिन पंजाबी फिल्म के हीरो हैं और जो हमजा बासी है वो नूरी नत बने, लेकिन उसका चैलेंज बहुत बड़ा था और इस फिल्म के लिए इन दोनों ने बड़ी जिस्मानी सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, गंडासे टूटे हैं और फवाद खान ने अपना वजन बढ़ाया इसके लिए। जी जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मीर साहब। थैंक यू सो मच। बड़ाई साहब, 40 साल पहले का मौला जट और आज का मौला जट, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना मुख्तलिफ होगा या कितना सिमिलर होगा? मुख्तलिफ होना चाहिए, 40 साल भी तो गुजर गए हैं लेकिन 40 साल पहले वो भी एक लेजेंड था और ये भी आज एक लेजेंड को देखने जा रहे हैं हम। मेरा ख्याल है कि 40 साल में जो तब्दीलियां आई हैं वो सारी टेक्निकल तब्दीलियां समोल ही गई होंगी और जो टेक्निक में तब्दीलियां आई हैं वो भी डेफिनेटली इसमें समोल ही गई होंगी। यही इसकी फिल्म की खूबी है कि मॉडर्न टेक्निक के साथ और पुरानी लेजेंड को पेश किया जा रहा है। पिछली जो मौला जट थी वो 40 साल तक जिंदा है, आज भी जिंदा है, ये वाली मौला जट कितने साल जिंदा रहेगी? ये तो देखने से पता चलेगा लेकिन उम्मीद है कि इसमें भी बहुत कुछ किया गया होगा जो इसे 100 साल तक जिंदा रखे।